की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक एक आरोपी फरार है जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। इन तीनों आरोपियों पर पहले भी लूट की वारदात व अन्य वारदात करने के मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि वह स्मैक का नशा करते हैं जिसकी पूर्ति करने के लिए वह लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि 17-18 सितंबर की रात को सेक्टर 9 जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप से बाइक सवार तीन अज्ञात युवकों द्वारा लूट की वारदात की गई थी। आरोपियों ने पेट्रोल पंप के दो कर्मचारियों के साथ चाकू व लोहे की पाइप के द्वारा मारपीट की थी। आरोपी उनसे 30,000 रुपये, एक LED स्क्रीन, एक DVR, दो मोबाइल फोन व अन्य उपकरणों को लूटकर फरार हो गए थे। जिस संबंध में पेट्रोल पंप के मालिक अमित कुमार निवासी आर्यपुरम कुंजपुरा रोड को करनाल पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके चलते CIA 2 इंचार्ज द्वारा सहायक उपनिरीक्षक मनोज कुमार की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया। आपको यहां बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो आरोपियों को सेक्टर 6 एरिया से काबू किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह स्मैक का नशा करते हैं और उस रात भी हमने स्मैक का नशा किया हुआ था। हमने तीसरे साथी के साथ मिलकर किसी लूट की वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रखा था, लेकिन उस दिन हमारे शिकंजे में कोई भी नहीं फंसा था, जिस कारण हमारे द्वारा इस पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया और चाकू व लोहे की पाइप से पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर नकदी और काफी सारा सामान लूटकर फरार हो गए। बताते चले कि आरोपी पंकज त्यागी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था, जो कि हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद था। आरोपी पंकज के खिलाफ पहले भी हरियाणा व उत्तर प्रदेश में करीब 6 मुकदमे लूट व चोरी के दर्ज हैं। आरोपी साजन के खिलाफ भी करीब 5 मुकदमे चोरी व लूट के दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई DVR, LED स्क्रीन व अन्य उपकरणों की टूटी हालत में बरामद कर लिया है। अब पुलिस आरोपियों का अदालत से रिमांड हासिल कर आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करेगी। साथ ही फरार तीसरे आरोपी को काबू करने के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। आज इनको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा कोर्ट में पेश करके, उसके बाद इनसे रिकवरी जो मुकदमों में FIR में जो सामान जिनका लूट के ले गए थे वो रिकवर किया जाएगा। क्या क्या बरामदगी की है? बरामदगी की जाएगी DVR स्क्रीन, DVR उनकी ले गए थे CCTV कैमरा से, DVR जो स्क्रीन और कैश था और जो इन्होंने वेपन यूज किया था, चाकू था, रोड थी, वो सब रिकवर किया जाएगा। किस पर आए थे सर ये वारदात? ये बाइक पे आए थे। बाइक तो वहीं छोड़ गए थे शायद? बाइक वहाँ नहीं छोड़ गए थे, वो बाद में मतलब अभी रिकवर की जाएगी। ऐसी मतलब कोई वो आई नहीं थी कि बाइक वहाँ आई थी। तो तीसरा आरोपी अभी फरार है? तीसरा सन्नी है, वो भी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दोनों जमानत पे आए हुए? हाँ, जमानत पे आए हुए। इनके पहले भी मुकदमे हैं 307 और चोरी के। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले दोनों करनाल से ही हैं। क्या क्या नाम है? साजन और पंकज त्यागी। साजन और पंकज त्यागी जो दो आरोपी जो पेट्रोल पंप पे थे वो कमरे में सो रहे थे, तो उस रात को ये 2 बजे चाकू और वेपन के साथ रॉड के साथ आते हैं और उनपे अटैक करके उनका कैश और CCTV, DVR और मोबाइल फोन उनके ले जाते हैं। तो उसके बरामदगी क्या हुई है? बरामदगी आज रिमांड लेके कोर्ट में पेश की करके रिमांड लेके ये जाएगी। तो सर इनका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये पहले भी चोरी की और 307 के केस में जमानत पर हैं, जिन पे पहले भी कई मुकदमे चल रहे हैं। तो सर क्या कार्रवाई की जा रही है? इनको अरेस्ट किया गया है, आज कोर्ट में पेश करके वो लिया जाएगा रिमांड, पुलिस रिमांड। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.